हाय नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत हमारे खेती किसानी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूं आपके पास। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डियर 5045D के रिव्यू टेस्ट के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये देखिए किसान भाइयों, 5045D की बैजिंग मिल जाएगी और जॉन डियर की बैजिंग मिल जाएगी साइड में आपको। और इसके फ्रंट टायर की बात करें तो आपको 616 के फ्रंट टायर मिल जाएंगे। डीजल फिल्टर दिया हुआ है और डीजल सेपरेटर भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो भी डीजल में कचड़ा वगैरह या पानी वगैरह आ जाता है तो उसको ये सेपरेट कर देता है। और ये रहा है डीजल फिल्टर। और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बैक टायर के बारे में। तो आपको 1428 के बैक टायर दिए हुए हैं और ये ट्रैक्टर 45 HP का है। और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको 1600 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। और PTO पावर की बात करें तो आपको 38.2 HP की PTO पावर मिल जाएगी। और इसके RPM की बात करें तो आपको 540 की RPM मिल जाएगी। एडजस्टेबल हिच मिल जाएगा आपको, लाइट रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। यदि आप रात के समय ट्रैक्टर को चलाते हैं तो पीछे वाले को विजिबल हो कि आगे कोई वाहन जा रहा है। और ये आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, इसका मीटर देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, वैल्यू प्लस प्लस की वेजिंग मिल जाएगी आपको और V2 की वेजिंग मिल जाएगी नीचे आपको, यानी कि वर्जन 2 की जॉन डियर की वेजिंग, 5045D की वेजिंग। और अब हम देखते हैं इसका मीटर। तो मीटर कुछ इस प्रकार से है, एनालॉग में मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डीजल मीटर मिल जाएगा, फिर उसके बाद स्पीडोमीटर, फिर टेम्परेचर मीटर मिल जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में आपको लाइट को एडजस्ट करने का स्विच मिल जाएगा, यानी कि आप एक ही स्विच से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। हारन का स्विच और हैंड रेस मिल जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंडिकेटर स्विच और साथ ही साथ पार्किंग स्विच मिल जाएगा उसी के साथ। इस ट्रैक्टर के ब्रेक की बात करें तो आपको तेल में डूबे हुए डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, ये रहा हैंड ब्रेक। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगा, यानी कि आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। और ट्रैक्टर को बंद करने के लिए लीवर नीचे मिल जाएगा। और इस ट्रैक्टर के गियर की बात करें तो आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिल जाएंगे, ये रहा PTO लीवर। और दूसरी साइड आपको ये चारों गियर मिल जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये रहा पल्टीप्लाव के लिए लीवर, ये हमने अलग से लगवाया है। ये रहे लिफ्टिंग को एडजस्ट करने के लिए लीवर। और नीचे साइड देखें तो आपको खचा गियर मिल जाएगा। और किसान भाइयों, आप कमेंट करके बताइए इस गियर को आप किस नाम से बुलाते हैं। इसका मेन काम ये होता है, यदि आपका ट्रैक्टर कीचड़ में फंस जाता है तो ट्रैक्टर का एक टायर घूमने लगता है और दूसरा टायर नहीं घूमता है, तो इस गियर को दबाने से दोनों टायर घूमने लगते हैं। इसका मेन काम यही होता है। तो किसान भाइयों, अब हम ट्रैक्टर की दूसरी साइड चलते हैं और दूसरी साइड से कुछ जानकारी देते हैं। और इसमें आपको सिंगल पावर स्ट्रिंग मिल जाए, ये रहा इंजन फिल्टर, ये रहा हाइड्रोलिक एंड पावर स्ट्रिंग का पंप। इसके इंजन पावर की बात करें तो आपको 2900 cc का इंजन 3 सिलेंडर जो कि 45 HP जनरेट करता है। और पीछे साइड से लुक कुछ इस प्रकार से है। ये रही वर्किंग लाइट जो कि हेलोजन बल्ब के साथ आती है, रात के समय आप इसका यूज कर सकते हैं। ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाएंगी आपको, लेकिन LED लाइट होती तो और भी अच्छा होता। और इस ट्रैक्टर के नीचे से ऊंचाई देखते हैं तो किसान भाइयों, करीब 1.5 से 2 फीट इसकी ऊंचाई है, तो अच्छी खासी ऊंचाई दी हुई है। आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर नीचे से फंसेगा नहीं, कहीं भी पहाड़ी एरिया में आप ले जा सकते हैं आराम से। तो किसान भाइयों, अब हम इस ट्रैक्टर का बोनट खोलकर दिखाते हैं आपके लिए। तो उससे पहले ये देखिए, यहाँ से आप की लगा के बहुत ही आसानी से बोनट खोल सकते हैं। और बोनट खोलने के लिए हैंडल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको बैटरी मिल जाएगी, स्कार्ट की बैटरी दी हुई है इसमें। और ऊपर साइड एयर फिल्टर दिया हुआ है, ये रहा एयर फिल्टर का सेंसर। इसकी मदद से यदि आपका फिल्टर चोक हो जाता है तो ये सेंसर आपको इंडिकेट कर देता है डैशबोर्ड पर कि आपका फिल्टर साफ करना है। और कूलेंट वाटर भरने के लिए ये रहा टैंक। और पीछे साइड साइलेंसर मिल जाएगा। और जॉन डियर अपनी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए साइलेंसर अंदर ही देता है और साइलेंसर भी अच्छी लुक में दिखता है। दूसरी साइड से देखें तो आपको सबसे पहले अल्टरनेटर मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि बैटरी को चार्ज करता है। पावर स्ट्रिंग और हाइड्रोलिक का पंप नीचे ही दिया हुआ है। और ये रहा सेल्फ स्टार्टर। किसान भाइयों, यदि आपके ट्रैक्टर की सर्विसिंग होती है तो ऑयल यहां से फिल हो जाता है और ट्रैक्टर अधिक चलता है तो हीट हो जाता है। तो किसान भाइयों को पैर में हीट ना लगे तो इसलिए हीट प्रोटेक्टर दिया हुआ है। और किसान भाइयों, ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये बैक कंप्रेसर पाइप है।
ये रहा रेजिएटर, इसमें अलग से कोई भी जाली वगैरह नहीं लगी हुई है, लेकिन अदर न्यू मॉडल वाले ट्रैक्टरों में अलग से जाली लगी हुई आती है और मुझे लगता है कि अब जॉन डियर वाले भी देने लगे होंगे। और ये रही हाइड्रोलिक जैक या पावर जैक बोल सकते हैं हम लोग, आगे साइड सिंगल हॉर्न मिल जाएगा आपको। और यदि इसके डीजल टैंक की बात करें तो आपको 60 लीटर का बिग डीजल टैंक मिल जाएगा, ये भी फाइबर से बना हुआ है और जॉन डियर के सभी ट्रैक्टरों में फाइबर का डीजल टैंक मिल जाएगा। और ये रहा साइड मिरर जिससे आप पीछे के वाहन को देख सकते हैं, पीछे साइड आपको एक्स्ट्रा प्लग पोर्ट मिल जाएगा। यदि आप ट्रॉली में ब्रेक लाइट लगवाते हैं तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके टफ की बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में आपको सॉफ्ट टफ मिल जाएगा और यदि आप हार्ड टफ लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, उसके लिए आप 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। और पीछे साइड आपको हाइड्रोलिक नली मिल जाएगी और 3 एडजस्टेबल टापलिंग होल मिल जाएंगे, इसकी मदद से आप जमीन के अनुसार टापलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी शोरूम प्राइस के बारे में, तो आपको 7,20,000 से इसकी शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाती है। और यदि आप 4x4 में यह ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप 1,00,000 एक्स्ट्रा पे करके 4x4 वाला मॉडल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों को जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ऐसी जानकारी मिल सके। और किसान भाइयों, आपको इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और किसान भाइयों, यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम।